नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नसीम और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी डीएनए में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि आयुष्मान भारत योजना के अंदर किन किन बीमारियों का इलाज होगा और कितना पैसा एक बीमारी पे भारत सरकार देती है और किन किन हॉस्पिटल में आपको इस योजना के अंतर्गत इलाज की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा, जिससे आप हमारा कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो दोस्तों, योजना के अंतर्गत किन किन बीमारियों का इलाज होगा, तो इसके लिए हम अभी आ चुके हैं सरकारी डीएनए की वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको एक पोस्ट मिल जाएगा, आयुष्मान भारत योजना किन किन बीमारियों का होगा इलाज। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन योजना के रिलेटेड मिल जाएगी कि करीब देश के 11 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, वहीं करीब 55 करोड़ लोगों को इसका सीधे लाभ मिलने वाला है। इस योजना के अंतर्गत जो भी पात्र परिवार होता है उसको 5 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से भारत सरकार देती है। वहीं पे अगर परिवार में 5 लोग हैं तो उन 5 लोगों पे ही 5 लाख रुपए वैलिड होते हैं, यानी कि परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का अकेला इलाज करवा लेता है तो अन्य जो व्यक्ति होते हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है। वहीं पर दोस्तों हम आपको बता देते हैं, इस योजना के अंतर्गत करीब 1350 बीमारियों को भारत सरकार ने जोड़ दिया है जिसका आप इस योजना के अंतर्गत फ्री इलाज करवा सकते हैं। और वहीं पर बीमारियों की जो जाँच का खर्चा होता है और साथ में जो डॉक्टर की फीस होती है और दवाइयों के जो खर्चे होते हैं, आवागमन के जो खर्चे होते हैं, वो सारी चीजें आप इस योजना के अंतर्गत इंक्लूड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1350 बीमारियां जोड़ी गई हैं जो कि काफ़ी बड़ी लिस्ट है, लेकिन हम जो कुछ खास बीमारियां हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। तो जैसे नवजात जो शिशु होते हैं उनकी स्वास्थ्य की जो सेवाएं होती हैं उनका इस योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं, और मानसिक बीमारियाँ, दाँतों की देखभाल और जनरल चिकित्साएँ जो होती हैं, सर्जरी वगैरह आपको करवाना है वो भी आप इस योजना के अंतर्गत करवा सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर बीमारियां भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत जोड़ दी हैं, जो बीमारियां नहीं जोड़ी गई हैं उनकी लिस्ट काफ़ी छोटी है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस योजना के अंतर्गत आप कोई भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं, वो बीमारी चाहे आपके कार्ड बनने से पहले की हो या बाद की हो, इससे इस योजना में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत आपको किस तरीके से इलाज करवाना है, तो दोस्तों इलाज कराने के लिए आप जिस भी हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ कम से कम 24 घंटे के लिए आपको उस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तभी आपको इस योजना के अंतर्गत इलाज का जो खर्चा करते हैं वो का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, साथ में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनकी काफ़ी मोटी फीस होती थी, उनको भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम आपको लिंक दे रहे हैं, यहाँ पे आकर के आप अपने आसपास के जो नियरेस्ट हॉस्पिटल हैं जहाँ पर इस योजना के अंतर्गत इलाज कराया जा रहा है तो उसकी यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं, और साथ में हमने ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका भी लिंक आपको दे रखा है, और साथ में आपको योजना में अगर नाम आप चेक करना चाहते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, जिससे आकर के आप आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल के बारे में हम बता देते हैं, काफी क्वेश्चन आपके थे, तो हॉस्पिटल का जो ये लिंक दिया है तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहां पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर देना है, और यहां पे हॉस्पिटल टाइप आपसे पूछ रहा है, तो हॉस्पिटल टाइप किस तरीके का आपको चाहिए, तो यहां पे पब्लिक है, प्राइवेट है और प्राइवेट फॉर प्रॉफिट, तो इस तरीके के आपको ऑप्शन यहां पे दिख जाते हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं, ये पब्लिक ऑप्शन है तो यानी कि यहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां पे होंगे वो सारी लिस्ट आपको दिखाएगा, और प्राइवेट फॉर नॉट प्रॉफिट तो यानी कि कोई ऐसे चैरिटी वाले जो संस्थान होते हैं जो इलाज करते हैं लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं करते, तो उनकी यहाँ पे लिस्ट आपको देखने की मिल जाएगी। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जो जिनका बिजनेस होता है, आसपास आप देखेंगे काफ़ी अच्छे जो हॉस्पिटल होते हैं उनकी काफ़ी मोटी जो फीस होती है, तो उनकी लिस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों, प्राइवेट फॉर प्रॉफिट को हम अभी सेलेक्ट करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे किस तरीके की आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो आप अगर चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही सिंपल ऐसे क्लिक करके यहाँ पर जो कोड आपको दे रखा है ये कोड आप फिल करके इसको सर्च कर देंगे। तो दोस्तों, इतना करने के बाद आपके सामने हॉस्पिटल की लिस्ट आ जाएगी जहाँ जहाँ पर आयुष्मान भारत के अंतर्गत इलाज कराया जा सकता है, जो कि भारत सरकार ने इनसे एग्रीमेंट कर रखा है, तो आपको यहाँ पे हॉस्पिटल का एड्रेस भी देखने को मिल जाता है, और साथ में हॉस्पिटल की जो ईमेल आईडी है और उनका जो फ़ोन नंबर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप इनसे कांटेक्ट करके इनके हॉस्पिटल में आप विजिट कर सकते हैं और आपको जो भी बीमारी का इलाज करवाना है उनसे आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आयुष्मान भारत से रिलेटेड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।